बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, इंडियन इकोनॉमी पर स्पेन के अखबार में छपी तस्वीर पर विवाद हो गया है। अखबार ने बढ़ती इंडियन इकोनॉमी की तारीफ की है, ग्रोथ को दिखाने के लिए भगवा बीन वादक को दिखाया है। इंडियन इकोनॉमी को भगवा बीन वादक के जादू की तरह दिखाया गया है। ये देखिए, ये तस्वीर भी सामने आई है जिसमें अखबार में ये तस्वीर छपी है इंडियन इकोनॉमी पर। ये स्पेन के अखबार में तस्वीर छपी है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। अखबार ने बढ़ती इंडियन इकोनॉमी की तारीफ की है, लेकिन जो तस्वीर सामने पेश की है वो विवादों में आ गई है। ग्रोथ को दिखाने के लिए भगवा बीन वादक को दिखाया गया है, ये देखिए, और इंडियन इकोनॉमी को भगवा बीन वादक के जादू की तरह दिखाया गया है कि ये जादू चला बीन वादक का और उसके बाद अचानक से ये ग्रोथ की रफ्तार बढ़ती चली गई। लेकिन जो रेखा भी आप देख रहे हैं वो भी भगवा रंग की है। ये स्पेन के अखबार में इंडियन इकोनॉमी की तस्वीर को दर्शाया गया है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो देखिए, ये तस्वीर बता रही है कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के इस मकाम पर जाने की बात करें तो इसे लेकर पश्चिमी देशों में कितनी छटपटाहट है। इंडियन ग्रोथ बीन और सपेरा, मतलब क्या है इसका? भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी की खबर स्पेन के अखबार में पहले पन्ने पर छपी है। आइए जान लेते हैं कि स्पेन के अखबार ला वैनगार्डिया में इंडियन इकोनॉमी की मजबूत ग्रोथ को लेकर कहा क्या गया है। स्पेन के बड़े अखबार ला वैनगार्डिया का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पहले पन्ने पर यह रिपोर्ट छपी है इस तस्वीर के साथ। और यह तस्वीर ऐसी है जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचती है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है एक सपेरा और उससे तुलना की गई है, यानी सपेरे की झोली से जो सांप निकलता है उससे इंडियन अर्थव्यवस्था की तुलना की गई है। इस तुलना का भला क्या मतलब है? अब आपको कुछ और अहम जानकारी दे दें इस रिपोर्ट के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी की इस खबर को न सिर्फ प्रमुखता से छापा गया है, बल्कि जिस अंदाज में छापा गया है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तस्वीर में दिखाया गया है कि इंडियन ग्रोथ के साथ बीन भगवा बीन वादक को जो दिखाया गया है, ये जो तस्वीर दिखाई गई है उस पर खासा विवाद हो रहा है। और दुनिया भर की इकोनॉमी में गिरावट के बीच भारतीय ग्रोथ जो है वो लाजवाब रही है। IMF ने जो अनुमान लगाया है वो भी इस तरफ साफ तौर पर इशारा करता है। IMF ने इंडियन इकोनॉमी में 2022 में 6.1% ग्रोथ का अनुमान लगाया है, जो कि अपने आप में खासा मायने रखता है। यानी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो लाजवाब रहने वाली है। लेकिन जिस अंदाज में इस खबर को स्पेन के अखबार में पेश किया गया उसे लेकर खासे सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ IMF भारत की तारीफ तो कर रहा है लेकिन दुनिया में भारत का डंका बजता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत पर पश्चिमी मीडिया की संकीर्ण मानसिकता का एक और प्रमाण सामने आ गया है। आपको बताते हैं स्पेन के अखबार ने दुनिया में मजबूत होती भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे दर्शाया है, जिसके ऊपर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अभी समीर ने भी बिग वॉल पर पूरी तस्वीर आपको क्लियर की। ये देखिए, आपको जो तस्वीर हम दिखाएंगे उसमें स्पेनिश भाषा में लिखा है, जिसका अंग्रेजी में मतलब है द टाइम ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये देखिए, तस्वीर आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में कि कैसे स्पेनिश अखबार में भारतीय इकोनॉमी को दिखाया गया। देखिए, यही वो तस्वीर है। अब इसमें जो लिखा है उसे समझिए, लिखा हुआ है द टाइम ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी ये भारतीय अर्थव्यवस्था का वक्त है, समय है। लेकिन इस तस्वीर के साथ भारत को दर्शाने वाली जो पिक्चर पेश की गई है वो स्पेनिश मीडिया की संकीर्ण सोच को एक्सपोज करती है। इसमें बीन बजाते हुए एक सपेरे को दिखाया गया है। सवाल यही है कि यहां बीन बजाते सपेरे की जगह हाईटेक इंडिया की तस्वीर भी लगाई जा सकती थी। कंप्यूटर और माउस वाली तस्वीर के साथ भारत में आई डिजिटल क्रांति की छवि दिखाई जा सकती थी, लेकिन विदेशी मीडिया संस्थानों में कई ऐसे सांप कुंडली मारकर बैठे हैं जो आज के भारत को दिखाने के लिए सांप और सपेरे वाली तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। और ये वेस्टर्न मीडिया की कंजर्वेटिव सोच को दिखाता है कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को पेश किया गया है स्पेनिश अखबार में। भारत की जिस चमक पर पश्चिमी मीडिया परेशान है उसका सबूत IMF ने पेश किया है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।